प्रिय विद्यार्थियों, तृतीय वर्ष के इतिहास विषय के द्वितीय पेपर आधुनिक विश्व का इतिहास में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वह है धर्म सुधार आंदोलन। जैसा कि विषय से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसी धर्म में सुधार हेतु आंदोलन चलाया गया। कौन सा धर्म था, किस प्रकार यह आंदोलन शुरू हुआ, क्या कारण थे, ये जानना हमें बहुत जरूरी है और इसके लिए हम इसकी पृष्ठभूमि पर चलते हैं। ईसाई धर्म ईसा मसीह द्वारा प्रारंभ धर्म को कहते हैं, जो उनके 12 शिष्यों के द्वारा यूरोप में फैलाया गया। आरंभ में यहूदियों द्वारा इन ईसाइयों को बड़ी यंत्रणा दी जाती थी, लेकिन बड़ी ही खुशी से वो इन सब यंत्रणाओं को सहते हुए, जिस प्रकार ईसा मसीह ने सलीब को स्वीकार किया था और ये कहा था प्रभु इन्हें माफ कर देना, इनके पापों को क्षमा कर देना, तो यही वाली जो बात है वो हमें उनके अनुयायियों में भी दिखाई देती है। जब चौथी शताब्दी थी तब रोमन राजा कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा इस धर्म को अपना लिया गया, जिससे यह रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म बन गया और संपूर्ण यूरोप में फैलने लगा। पांचवी छठी शताब्दी में रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ और वह दो भागों में बट गया। पूर्वी रोमन साम्राज्य जो तुर्की और उसके आसपास का प्रदेश था, जिसे बाइजेंटाइन साम्राज्य के नाम से जाना गया और जिसकी राजधानी रही कुस्तुनतुनिया। दूसरा पश्चिमी रोमन साम्राज्य था जो इटली, जर्मनी, फ्रांस आदि प्रदेश जो है उसके साथ मिलकर बना था और इसमें राजधानी थी रोम। इसके बाद शार्लमैन जो रोमन सम्राट आए उनके कारण कुछ समय तक ईसाई धर्म और फैलता रहा, लेकिन 11वीं सदी तक आते आते ईसाइयत का जो साम्राज्य था वह भी दो भागों में बट गया। पहले हम देखते हैं राजनीतिक रूप से विघटन हुआ रोमन साम्राज्य का, और अब 11वीं सदी तक ईसाइयत का जो साम्राज्य है वो भी दो भागों में विभाजित हो गया। एक था रोमन कैथोलिक चर्च, जिसका जो मेन सेंटर था वो रोम था, और दूसरा था ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च जिसका मेन सेंटर कुस्तुनतुनिया था। इन दोनों में कुछ समानताएं थी, दोनों ही जो चर्च थे वो ईसा के पुत्र यानी ईसा मसीह, ईश्वर और बाइबल इनमें विश्वास रखते थे, जो ईसाई धर्म के सप्त संस्कार हैं उन्हें स्वीकार करते थे और साथ ही साथ धर्माधिकारियों को धर्म हेतु महत्वपूर्ण मानते थे। लेकिन इन दोनों में कुछ मतभेद भी थे, कुछ विभिन्नताएं भी थी। उनमें सबसे पहली भिन्नता थी इनकी भाषा को लेकर। जो रोम का चर्च था यानी कैथोलिक चर्च था वो लेटिन भाषा को ही सर्वमान्य मानता था। ये मानता था कि लेटिन भाषा की जो बाइबल है या लेटिन भाषा के अंदर ही धर्म ग्रंथों का प्रणयन किया जाना चाहिए, जबकि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में ग्रीक भाषा मेन थी और जो कि वहां की लोकल भाषा थी। दूसरा जो इनके बीच में अंतर था, रोमन कैथोलिक चर्च अपने सर्वोच्च अधिकारी पोप को सर्वे सर्वा मानता था, लेकिन ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के अंदर पेट्रियार्केट और बिशप सब एक समूह के रूप में कार्यरत थे। वहां पर ऐसा नहीं था कि कोई बहुत सर्वे सर्वा है, सर्वश्रेष्ठ है या ईश्वर का प्रतिनिधि है, ऐसी बात वहां पर हमें दिखाई नहीं देती। और तीसरा जो प्रमुख अंतर था उसमें, जो कैथोलिक है उनमें पादरियों को विवाह की अनुमति नहीं थी, जबकि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में पादरियों को विवाह की अनुमति भी प्रदान की गई थी। 11वीं सदी में इन दोनों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। उसके बाद रोमन कैथोलिक चर्च में धीरे धीरे 15वीं 16वीं शताब्दी तक आडंबर, भ्रष्टाचार, विलासिता आदि का समावेश हो गया, जिसके विरुद्ध प्रोटेस्ट किया गया, आवाज उठाई गई, विरोध किया गया और एक नया संप्रदाय हमारे सामने आया जिसे प्रोटेस्टेंटवाद कहा गया।
सोलहवीं सदी से पहले सारे यूरोप का जो समाज था केवल मात्र धर्म पर केंद्रित था, धर्म से ही प्रेरित था और धर्म के द्वारा ही नियंत्रित था। चाहे राजा से लेकर और नीचे जो दास किसान तक का वर्ग है, सारा का सारा समाज धर्म से नियंत्रित होता था। लेकिन 16वीं शताब्दी में जर्मनी में सबसे पहले इसमें सुधार की बात उठाई गई और धीरे धीरे संपूर्ण यूरोप के अंदर इस धर्म सुधार की चेतना फैल गई, जिसने एक विस्तृत आंदोलन का स्वरूप ग्रहण किया जिसे हम धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं। इस धर्म सुधार आंदोलन के कुछ कारण रहे, उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला कारण था पुनर्जागरण का होना। अपने पिछले टॉपिक में हम पढ़ के आए हैं कि पुनर्जागरण के अंतर्गत मनुष्य की जो बुद्धि थी उसने तार्किक रूप से सोचना शुरू किया, यानी स्वतंत्र चिंतन करना शुरू किया और बुद्धि का प्रयोग करते हुए तर्क और विवेक के द्वारा अंधविश्वासों का विरोध करना आरंभ किया। यही कारण रहा कि चर्च के जो फैलाई हुई मान्यताएं थीं, उनके ऊपर प्रश्न किए जाने लगे। दूसरा, पुनर्जागरण ने मानवतावाद का विचार दिया। मानवतावाद हम पढ़ चुके हैं कि जितना भी कार्य हो रहा था वो मनुष्य केंद्रित होने लगा। 16वीं शताब्दी से पहले क्या था, वो धर्म केंद्रित था, लेकिन मानवतावाद के विचार के बाद अब मानव सब चीजों का केंद्र बन गया। मानव के जीवन को किस प्रकार सुखी किया जाए, ये जो विचारधारा थी उसने धर्म के ऊपर बहुत सारे प्रश्न जो है उठाना आरंभ किया। तीसरा जो महत्वपूर्ण योगदान रहा पुनर्जागरण का, वो था भौगोलिक खोजों के रूप में। नई नई खोजों को पुनर्जागरण में प्रोत्साहन मिला और जो नए देशों से संपर्क हुआ उससे पश्चिम के लोगों का, पश्चिमी यूरोप के जो लोग हैं उनकी बौद्धिकता का विस्तार हुआ। और जब बौद्धिकता का विस्तार हुआ तो उन्हें पता चला कि जिस तरीके से वो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि कहता है, ऐसा विश्व में अन्यत्र कहीं भी नहीं है। तो पोप में ऐसी क्या खास बात है, या इस तरीके से हमें क्यों माना जाना चाहिए, वही बात वापस प्रश्न उठने लगे। और चौथा योगदान जो पुनर्जागरण का हुआ वो था इस काल में हुए वैज्ञानिक आविष्कार, जैसे छापाखाना। छापे खाने से क्या हुआ कि पुस्तकें छपने लगी। अभी तक क्या होता था कि जो चर्च था बाइबल उन्हीं के पास होती थी और जो पादरी कहे, जो पोप कहे कि भाई बाइबल में लिखा है, आम जनता को स्वीकार करना पड़ता था कि हाँ लिखा होगा, क्योंकि उनके हाथ में बाइबल नहीं थी। लेकिन छापे खाने के आविष्कार के कारण अब चूंकि पुस्तकें छपने लगी इसलिए वो सामान्य जनता को भी सुलभ होने लगी। जब सुलभ होने लगी तो उन्होंने देखा, अरे बाइबल में तो ये लिखा है, इसकी व्याख्या तो गलत की गई है, तो वो प्रश्न करने लगे। दूसरी चीज, इसी समय क्षेत्रीय भाषाओं में भी रचनाएं होने लगी और स्वयं बाइबल का अनुवाद भी हमें लोक भाषाओं में होता हुआ मिलता है। तो लेटिन भाषा जो है वो फिर भी, जैसे संस्कृत जो है वो आम जनता के लिए दुरू है भारत में, उसी तरीके से लेटिन भी यूरोप के लोगों के लिए थोड़ी समझने में कठिन होने लगी थी। लेकिन जब लोक भाषाओं में बाइबल लिखी जाने लगी तो सामान्य जनता उसे आराम से समझने लगी। इसी के साथ बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार, जैसे कॉपरनिकस, उन्होंने कहा कि जो पृथ्वी है वो स्थिर है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। गैलीलियो जिन्होंने समर्थन किया, ब्रूनो जिन्होंने इस सिद्धांत का समर्थन किया, इसके अतिरिक्त न्यूटन जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, ऐसे अनेकों वैज्ञानिक आविष्कार हुए जिन्होंने चर्च द्वारा कही गई बातों को झूठा साबित कर दिया। चर्च ये क्या कहता था, चर्च कहता था हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत है, यानी जो सूर्य है वो पृथ्वी है वो स्थिर है, सॉरी जियोसेंट्रिक सिद्धांत है, पृथ्वी जो है वो स्थिर है, सूर्य उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। लेकिन वैज्ञानिक आविष्कारों ने कह दिया नहीं नहीं चर्च सही नहीं कहता, तो इसलिए चर्च पर प्रश्न उठाए जाने लगे। दूसरा कारण जो धर्म सुधार को प्रेरित करने वाला हुआ वो था धार्मिक कारण। धार्मिक कारणों में हम देखते हैं सबसे पहले ईसाइयत में स्वयं ही सिद्धांतों में मतभेद होने लगा। कैथोलिक वर्ग के भीतर ही कुछ पादरी वर्ग का ये मानना था कि मनुष्य और ईश्वर के बीच प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए,
उसमें पादरियों की या धर्माधिकारियों की इन सबकी कहाँ आवश्यकता है। यदि मनुष्य चाहे तो ईश्वर से प्रत्यक्ष ही संबंध स्थापित कर सकता है, लेकिन एक जो वर्ग कैथोलिक धर्म का कट्टर अनुयायी था उसका मानना था नहीं, बीच में पोप की पादरियों की सख्त आवश्यकता है, इनकी मध्यस्थता के बिना ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। तो स्वयं कैथोलिक साम्राज्य के अंदर ही कैथोलिक जो क्रिसेंडम है उसके अंतर्गत ही हमें सिद्धांतों में मतभेद दिखाई देने लग जाता है। और यही कारण है कि हम देखेंगे कि जो आरंभ के धर्म सुधारक हैं वो स्वयं पादरी वर्ग से ही निकलकर सामने आते हैं। दूसरा जो कारण रहा वो था बढ़ते हुए आडंबर और चर्च में आ रहे दोष। कुछ प्रथाएं थीं जिन्होंने चर्च के संगठन को बहुत ही दोषपूर्ण बना दिया था, जैसे सिमोनी प्रथा। सिमोनी प्रथा क्या थी? जो धर्म के पद हैं, धर्माधिकारियों के पद हैं, उनका क्रय विक्रय किया जाना। इससे क्या होता था, यदि आप पद को बेच रहे हैं तो जिस पैसे वाला है वो उस पद को खरीद लेगा। अब जो पैसे वाला है उसने उस पद को अपनी योग्यता से नहीं खरीदा, केवल पैसे के माध्यम से खरीदा है, तो ऐसे में पद पर अयोग्य व्यक्ति आ सकते हैं। इस प्रथा को सिमोनी प्रथा कहा गया। सिमोनी प्रथा को ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरा नेपोटिज्म, जिसे भाई भतीजावाद के नाम से हम जानते हैं। दरअसल पादरियों के लिए विवाह की अनुमति नहीं थी, लेकिन पादरियों ने बहुत सारे अनैतिक धर्माधिकारियों ने बहुत सारे अनैतिक संबंध बना रखे थे। इन अनैतिक संबंधों के चलते बहुत सी संतानें भी होती थी, तो कभी कभी उनको प्रश्रय देने के लिए या जो पूर्व में अपने रिश्तेदार रहे हैं उनको ऑब्लाइज करने के लिए इस तरीके से किया जाता था कि विभिन्न पदों पर अपने ही रिश्तेदारों को नियुक्त कर दिया जाता था। उसे कहते हैं नेपोटिज्म, भाई भतीजा वाद। इसके बाद एक प्रथा जो और जन्म ले रही थी वो थी प्लूरोलिज्म। इसका अर्थ क्या है? एक व्यक्ति अनेक पदों पर बना रहे। इससे क्या होता था कि वो व्यक्ति, चूंकि पांच पदों पर उसको काम करना है, इसलिए किसी भी पद की ढंग से जिम्मेदारी नहीं उठाता था। इसके अतिरिक्त एक चीज थी कि चर्च जो थे वो धन के केंद्र बन गए थे, बहुत ज्यादा धन उसमें जमा हो गया था, और जब बहुत ज्यादा धन आ जाता है तो सामान्य जनता जो है, जो आम जनता है, उनका आर्थिक शोषण आरंभ हो जाता है और उन पर दमनकारी नीति चर्च के द्वारा चलाई गई थी। अगले कारणों पे हम आते हैं, वो है राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण में सबसे पहला कारण है पोप की सत्ता वर्सेस राष्ट्रीय राज्य। अभी तक यूरोप में स्थिति ये थी कि यदि किसी राजा का राज्याभिषेक होना है तो पोप की उपस्थिति अनिवार्य है, पोप ही उसे अनुमति देगा राजा बनने की। इसके अतिरिक्त कोई भी यदि सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन राजा कर रहा है तो उसकी परमिशन उसे पोप से लेनी होगी। इसके अतिरिक्त राजा द्वारा यदि कोई न्याय किया जाता है तो क्या होता था कि यदि व्यक्ति को न्याय पसंद नहीं आया तो वो उसकी अपील पोप के पास जाके करता था, और पोप राजा के न्याय को पलट भी सकता था। दूसरे शब्दों में हम कहें तो राजा के ऊपर पोप का पूरा पूरा नियंत्रण था, बल्कि हम समझे राजा के ऊपर का राजा था वो। इसी समय मैकियावेली की द प्रिंस नामक पुस्तक आई जिसका लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। प्रिंस में मैकियावेली ने कहा है कि राजा को निरंकुश होना चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए। ये वाली बात जनता को पसंद आई। दूसरी चीज, इस समय बारूद का आगमन हुआ और बारूद के होने से राजा की सेना की शक्ति बढ़ गई और अब उसको सामंतों पर या धर्म पर, इन पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रही। इसलिए राजा जो है वो खुद अपनी सत्ता को बढ़ाना चाहते थे। तो इस कारण पोप की सत्ता सर्वोच्च हो या राजा की सत्ता सर्वोच्च हो, इसके बीच संघर्ष हमको दिखाई देने लग जाता है। दूसरा कारण रहा कि चर्च के द्वारा जितने भी यूरोप के राज्य थे वहां पर धर्माधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी और ये धर्माधिकारी उन राज्यों के आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप करते थे और इस प्रकार परोक्ष रूप से पोप का राजनीतिक नियंत्रण जो है
वो यहाँ पर हो जाता था, क्योंकि इन अधिकारियों के पास आर्थिक शक्तियां भी होती थी और न्यायिक शक्तियां भी इनके पास होती थी। इसी के साथ एक और भावना का उदय इस समय यूरोप में हुआ, जैसे हम देखते हैं फ्रांस है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, क्योंकि पोप तो रोम का रहने वाला था, मतलब रोम में रह रहा था, तो अन्य जितने यूरोपियन राज्य थे उनके मन में जब पोप के द्वारा नियंत्रण किया जाता था या कोई निर्देशन दिया जाता था तो उनको ये लगता था कि पोप विदेशी है, हमारे राज्य में हम उनकी बात क्यों माने। इस तरीके की जो भावना है उसके उदय ने भी धर्म सुधार आंदोलन को प्रेरणा प्रदान की। फिर बात आती है आर्थिक कारणों की। आर्थिक कारणों के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है राजाओं के द्वारा चर्च की धन संपदा से ईर्ष्या रखना। दरअसल इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि चर्च के पास धन संपदा कैसे होती थी। मेन चर्च जो था, सबसे जो मुख्य चर्च था कैथोलिक चर्च, वो रोम में था। रोम में पोप होता था, उसके नीचे बहुत सारे कार्डिनल्स होते थे, फिर आर्क बिशप होते थे, फिर बिशप्स होते थे, फिर डिकॉन्स होते थे, लेलेस होते थे और सबसे छोटे पादरी होते थे। तो गांव से लेकर और रोम तक एक तरह से पूरी हायरार्की बनी हुई थी। ये सब अधिकारी जिस जिस राज्य में नियुक्त होते थे उन राज्यों से धार्मिक कर वसूलते थे, जिसे टिथ कर कहा जाता था। इसके अतिरिक्त हर राज्य में जहां भी चर्च स्थापित होता था, राज्य की कुछ भूमि, प्रत्येक राज्य की कुछ भूमि चर्चों के पास होती थी, और काफी लगभग 40% के आसपास जो भूमि है वो सारी की सारी चर्चों के पास होती थी, जिससे जो भी आमदनी हो रही है वो सब चर्च की आमदनी मानी जाती थी, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। तो एक तो चर्चों के पास अपनी जो भूमि है उसकी संपदा आ रही है, उसकी जो भी आय हो रही है वो आ रही है, जिस पे कोई टैक्स नहीं देना उन्हें। दूसरा, जनता से वो टिथ कर वसूलते थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न ओकेजन्स पर भी वो जनता से धन लेते थे और साथ ही साथ उनको राजाओं द्वारा या सामंतों द्वारा उन्हें दान भी दिया जाता था। तो चर्च के अंदर बहुत सारी धन संपदा जमा हो गई थी। तो जो उस राज्य का राजा था उसे उससे जलन होती थी कि इसके पास इतनी धन संपदा है जबकि राजा मैं हूं और अपने राज्य की जनता के लिए मुझे कार्य करना है। इसी के साथ चर्च के द्वारा जो टैक्स वसूला जाता था उसे देने से भी राजा जो है उसको आनाकानी होती थी, क्योंकि यदि वो जो धन वसूला जाता है, टैक्स जो वसूला जाता है, उसे राजा को कहाँ खर्च करना था, सेना पर, प्रशासन पर या लोक कल्याण पर। लेकिन चर्च के लिए जो वसूला गया धन था वो राज्यों में धर्माधिकारी के पास जाता था, जहां से सीधा कहां पहुंच जाता था, रोम। वो जनता के लिए काम में नहीं आता था और इस तरीके से अनुत्पादक धन के रूप में वो समझा जाता था। तीसरी चीज है कि चर्च की जो आर्थिक मान्यताएं थी उनसे भी बहुत सारे वर्ग जो है वो नाराज थे। जैसे चर्च ये कहता था कि सूद पर पैसा नहीं देना चाहिए। अब व्यापारी जब व्यापार करता है तो उसे पूंजी की आवश्यकता है और पूंजी उसे उधार पर लेनी भी पड़ेगी, लेकिन जब उधार पर कोई पैसा देगा ही नहीं तो वो कहां से लेगा उधार। दूसरी चीज, जो राजा थे वो भी व्यापार में पैसा लगाना चाहते थे क्योंकि काफी प्रॉफिट था उस समय। राजा को भी ये चीज बुरी लगती थी कि पूंजी जो है उसको कैसे हम व्यापार में लगाकर कैसे उससे प्रॉफिट कमाएं, क्योंकि चर्च तो इस बात को मना करता था। तो चर्च की जो आर्थिक मान्यताएं थी उनसे व्यापारी, राजा, ये सभी वर्ग जो थे वो बहुत ही असंतुष्ट थे। इसके बाद आता है तात्कालिक कारण, जो है इंडलजेंस। इंडलजेंस एक प्रकार के क्षमा पत्र थे, आप उन्हें पाप विमोचन मुक्ति पत्र भी कह सकते हैं, और काफी पहले से ही इंडलजेंसेस की परंपरा चली आ रही थी। ये परंपरा क्या थी? कैथोलिक, आप जानते हैं कि जो भी मनुष्य है, जो भी धर्म है, वो ये मानता है कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नर्क में जाता है। ईसाई चर्च भी यही मानता था कि मनुष्य स्वर्ग में या नर्क में जाएगा अपने कर्मों के अनुसार। तो उसने ये कह रखा था कि मनुष्य जो है उससे पाप हो जाते हैं अपने जीवन में, लेकिन यदि वो कुछ धन देकर
पोप से सर्टिफिकेट ले लेता है, जिसे इंडलजेंस कहते हैं। तो जब उसकी मृत्यु होगी और वो स्वर्ग में जाएगा, तो वो अपने इंडलजेंस द्वारा ये बता सकेगा कि भाई मुझे तो अपने पाप से मुक्ति मिल चुकी है, पाप से क्षमा मिल चुकी है, इसलिए अब मेरे को स्वर्ग में प्रवेश दे दिया जाए। इस तरीके से एक सर्टिफिकेट से, जिन्हें इंडलजेंसेस कहा जाता था, पूर्व में यानी पहले जब ये चल रही थी परंपरा, तो इसको जो बेचा जाता था चर्च द्वारा, जो पैसा चर्च को मिलता था, उसे लोक कल्याण में खर्च किया जाता था। लेकिन अब पोप लियो दशम इस समय था, जो बहुत ज्यादा धन अपने चर्च के कोष में भरना चाहता था, क्योंकि उसे विलासिता और ऐश्वर्य के लिए पैसों की आवश्यकता थी, और चर्च का जो पैसा था वो सारा इस तरीके से बहाया जा रहा था, बड़े बड़े दरबार लगाए जा रहे थे। तो अब उसने क्या किया, इन इंडलजेंसेस की संख्या को बढ़ा दिया, और धर्माधिकारियों और पादरियों को देकर उसने जगह जगह यूरोप के राज्यों में उन्हें भेजा, ताकि वो इंडलजेंसेस को बेच सके। तो पहले तो मनुष्य खुद जाता था और इंडलजेंसेस खरीदता था, संख्या में कम थे, कुछ ही ओकेजन्स पे दिए जाते थे, लेकिन अब तो उन्हें बेचने के लिए वहां भेज दिया गया। बल्कि इस तरीके की बात और कही गई कि यदि आपको लगता है कि आप अपने जीवन में कोई पाप करना चाहते हैं, तो पहले से ही क्षमा पत्र खरीद के रख लीजिए, ताकि आपको पाप से मुक्ति मिल जाए। तो पादरी टेटजल नामक एक व्यक्ति जर्मनी के विटनबर्ग में पहुंचा, जहां मार्टिन लूथर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में पढ़ा रहे थे। उन्होंने जब इस बात को देखा तो उनको बहुत शोक हुआ, बड़ा दुख हुआ, और उसके बाद उन्होंने 95 थीसिस यानी सिद्धांत लिखकर बाहर लटका दिए, जिसमें उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे, और इसी के साथ धर्म सुधार आंदोलन के रूप में आरंभ हो गया, जिसके बारे में हम जो हमारी अगली कक्षा होगी उसके अंदर इसके बारे में हम पढ़ेंगे।